मैं वापस आना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आना पड़ा। कई बार मैंने सोचा कि पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करके परमानेंटली यूके शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन जब रामीन का ख्याल आता था तो मेरा माइंड बदल जाता था। फिर चचा के इंतकाल के बाद चची यहाँ अकेली रह गई हैं। मुझे लगता है रामीन को और चची को मेरी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत नाराज़ होंगी, होना भी चाहिए नाराज़ होना यार, मेरी वजह से उनके ख़ानदान का नाम मिट गया। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी की कस्टडी चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। ये 4 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानता हूँ। तुम अपनी बेटी की वजह से वापस आए हो या कोई और बात है? बहुत सी रीजंस है मेरे वापस आने के। एक तो रामीन और दूसरा नगीन। कोई खबर मिली उसकी? नहीं। उसे दोबारा ढूंढने की भी कोशिश नहीं की? नगीन से सारे रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन मैंने ऑफिस से उसे बहुत बेइज्जत करके निकाला था। क्या अब भी उसके बारे में सोचते हो तुम? याद आती है वो तुम्हें? याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाए। जो लोग दिल के बहुत करीब होते हैं ना, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सुना था कि फासले जज्बों में शिद्दत पैदा कर देते हैं। मेरे केस में ऐसा ही हुआ। मैं जितना नगीन से दूर गया हूं वो उतना ही मेरे पास आते रहे। अब इतनी भी खूबसूरत नहीं थी वो कि तुम्हारे दिल से ही ना उतर सके? खूबसूरत होना उसकी वाहिद खूबी नहीं थी यार। और वैसे भी मुझ जैसे इंसान की जिंदगी में खूबसूरती की कोई कमी नहीं रही, मुझे हर चीज खूब से खूबतर ही मिली। सुल्तान समझ लो वो तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो वो तुम्हारे साथ होती। और अब जब वो ये मुल्क छोड़कर जा चुकी है तो मेरे ख्याल से तुम उसे भूल जाओ। कभी नहीं। जज्बा अगर सच्चा हो तो मंजिल मिली जाती है। नगीन मुझे मिलेगी भी, वो मुझे माफ भी करेगी और मुझे अपनाएगी। तुम देख लेना। हाँ कहो। बेगम साहिबा, वो छोटे साई आपसे मिलने आए। क्यों आए हो यहाँ? जी मैं रामीन। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरी नवासी का नाम भी लिया तो। वो मेरी बेटी भी है। इतने अरसे से मैं उसकी सूरत देखने को तरस गया। 4 साल के बाद आज तुम्हें अपनी औलाद का ख्याल आ गया? नहीं चाची, नहीं। मुझे उसका ख्याल रोज आता था। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने उसको मिस ना किया। सिर्फ आपकी नाराजगी के डर से मैं यहाँ नहीं आता था। मैं मानता हूँ कि मैं आपका मुजरिम हूँ। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे बताएं मैं किस तरह माफी मांगू आपसे? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। वो जो भी कुछ हुआ मैंने इंटेंशनली नहीं किया। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हें मिल गई है। ये हवेली और बाकी के जायदाद भी मेरे मरने के बाद तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ। आप प्लीज ऐसी बातें मत कहें। मुझे इस जायदाद या हवेली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस अपनी बेटी से मिलने आया था और आपसे माफी मांगने आया हूँ। जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए। मैं मानता हूँ आपका मुझे माफ करना बहुत मुश्किल है,
लेकिन हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे मुझे माफ कर दो। तुम्हारी नाराजगी से, तुम्हारी शर्मिंदगी से मुझे क्या लेना देना? तुम्हारे माफी मांग लेने से मेरे घर की खुशियां वापस नहीं आ सकती। बेहतर है कि तुम चले जाओ। नानो, नानो। रामीन, चची बस एक बार, समीना, एक बार मुझे गले लगाने दे। समीना, ले जाओ इसे। मेरी बात सुने, रामीन, रामीन बेटे यहाँ। माँ की बेटी है जिसके तुम कातिल हो। मैं कातिल नहीं हूँ किसी का। चची, वो जो कुछ हुआ था वो एक्सीडेंट था, आपको क्यों यकीन नहीं आता है? मैं तुम्हें उसके करीब भी नहीं आने दूंगी। तुमने सब कुछ मेरा छीन लिया है, मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझसे छीनना चाहते हो? नहीं, मैं रामीन को आपसे छीनने नहीं आया और ना ही उस पर अपना हक जताने आया हूं। मैं सिर्फ एक बार उससे मिलने आया था और आपसे माफी मांगने आया था। अगले हफ्ते मैं रामीन के नाम से एक न्यूज़ चैनल लॉन्च कर रहा हूँ और बहुत जल्द अपना सियासी करियर भी शुरू करूँगा। चचा जान का ख्वाब था, बस उसे अब पूरा करने जा रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश यह है कि आप अगर इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी बन के आ जाएंगी तो मेरी उस तकरीब में शिरकत नामुमकिन है। रही बात तुम्हारी सियासत की, तुम्हें क्या लगता है इतनी बदनामी, इतनी जिल्लत के बाद ये गांव के लोग तुम्हें अपना लेंगे? वो तो तुम्हें हमारी घर की बर्बादी का जिम्मेदार समझते हैं ना। समझते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चचा जान की ख्वाहिश पूरी करके दिखाऊंगा मैं आपको, मैं आपको ये इलेक्शन जीत के दिखाऊंगा। कुछ अरसे बाद दोबारा हाजिर होऊंगा आपके सामने और अब उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रामीन से मिलने से नहीं रोकेंगे। आज के मेरे तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए, मुझे कल सुबह की फ्लाइट से लाहौर जाना। आपने मेरी स्पीच और प्रेजेंटेशन ईमेल कर दी है? जी सर, मैंने कर दी है। पिछले 4 सालों में कुछ भी नहीं बदला। आप ही हारून की जॉब स्टेटस, मम्मी का रवैया, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं फिर भी बहुत मुतमईन हूँ। हारून मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। इस मामले में तो तुम बहुत खुश नसीब हो। बस एक औलाद की कमी है ना, वरना पैसे का क्या है? पैसा तो आनी जानी चीज है। औलाद भी आ ही जाएगी आप ही। तुम्हें तो कोई फिक्र है नहीं, अगर मैंने भी कहना छोड़ दिया तो कौन समझाएगा तुम्हें? देखो नगी, मर्द कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक औलाद नहीं होती ना, ये बंधन मजबूत नहीं होता। लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह है नहीं। कितनी दफा तुमसे कहा है कि किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कराओ। मैं आपसे बात करते हुए इसीलिए चिढ़ती हूँ, जब भी आपसे बात करूँ एक ही टॉपिक होता है आपके पास। अब मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा?
भाभी चलें, देर हो गई है, शाम हो रही है। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके आप ही, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने रिदा के साथ शॉपिंग पे जाना है। दरअसल हारून की बर्थडे है तो मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए थे ट्यूशन फीस के। मैंने सोचा उनके लिए कोई अच्छा से गिफ्ट ले लूँ। इनफैक्ट एक अच्छी सी रिस्ट वॉच ले लूँ, उन्हें रिस्ट वॉच का बहुत शौक है ना। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। कितने किए भाई हैं? बस 3 लाख रुपए। भाभी ये तो बहुत महंगे है। भाई कोई 20-25 हज़ार वाली वॉच नहीं होगी आपके पास? सॉरी मैम, इस रेंज में कोई भी हमारे पास वॉच नहीं है। अच्छा तो बहुत महंगा बोल रहे भाभी, हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे तो 2-3 लाख से कम की कोई घड़ी नहीं है। हारून को वॉचेस का बहुत शौक है ना, मुझे लगा उनके बर्थडे पे कोई अच्छी सी वॉच गिफ्ट करता है। तो आप कोई अच्छा सा 3-पीस सूट नहीं गिफ्ट कर देती? 3-पीस सूट? यहाँ लाखों में बातें चल रही हैं। मैं तो सोच रही हूँ कोई परफ्यूम ही गिफ्ट कर दूँ। भाभी अपने लिए भी कुछ लेना, आइए शॉप में चलते हैं। यहाँ नहीं नहीं बहुत महंगा बुटीक है, चलो आगे जाके कोई परफ्यूम देखते हैं। अभी देखते नहीं, हो सकता है कुछ मुनासिब कीमत में मिल जाए। दिमाग ख़राब है तुम्हारे, यहाँ कुछ मुनासिब नहीं है।
चलें देख तो लेते हैं ना, चलें। खातून यहाँ कोई घड़ी पसंद करके गई? जी जी ये वाली, बट ये उनके रेंज में नहीं थी। पैक कर दो, पैक कर दो। सर ये उनके रेंज में नहीं थी, 3 लाख की है ये। हाँ दे 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 दे। पैक कर दो ये। जी जी सर अभी कर देता हूँ। ये देखिए मम्मी, ये एक जोड़ा ना आपके लिए लिया है भाभी ने, और बाकी के 3 जोड़े मेरे हैं। इतने अच्छे कलर्स हैं देखें। और भाई आपका गिफ्ट जो है ना आपके बर्थडे पे मिलेगा। अभी से क्यों बता रही हो? क्या जरूरत थी तुम्हें बिला वजह फजूल खर्ची करने की? मना भी किया है, बिला वजह मत पैसे बाजारों में जाके खर्च किया करो। बस मिलते हैं इनको ट्यूशन के पैसे और पहुंच जाती है बाजारों में जूते कपड़े कॉस्मेटिक्स, पता नहीं क्या क्या लंग लंग उठा के ले आती है। इंसान अपनी चादर देख के पांव फैलाता है, लेकिन तुम दोनों तो पता नहीं क्या। और ये मैं पहनूंगी, मैं नहीं पहनती ऐसे फीके रंग। क्या हो गया अम्मी? देखिए इतना अच्छा ये प्रिंट है और भाभी ने इतनी ब्रांडेड शॉप से लिया, इतना महंगा है ये। हाँ बस बस जानती हूँ, पसंद इसकी भी। और पूरे बाजार में तुम लोगों को मेरे लिए कोई पसंद की चीज ही नहीं मिली ढंग की। ये प्रिंट ये कलर घटिया मैं पहनूंगी।
मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई कि ऐसे प्रिंट और ऐसे कलर पहनूंगी। पता नहीं कहां से सस्ते उठा के ले आई, सेल से नहीं चाहिए मुझे। अम्मी आप कोई और जोड़ा देख रहे हैं, अगर आपको कोई और पसंद आ जाए तो। अरे हटाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ, रखो अपने पास। जेंट्स वॉच किसके लिए लेना चाह रही थी, कौन है उसकी जिंदगी में, कहीं उसकी शादी। आप अम्मी की बातों पे एम्बैरेस मत हुआ करें, उनकी तो आदत है। और सच कहूँ तो मुझे भी अब उनकी बात का बुरा नहीं लगता, आदत सी हो गई है, या यूं कहें कि मैं ढीठ हो गई हूँ। 4 साल गुजर गए तुम्हें उनकी ये बातें सुनते, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम इंसान हो या पत्थर, पलट कर जवाब क्यों नहीं देती हो? और क्या होगा मेरे जवाब देने से, उनका लहजा बदल जाएगा। नहीं हार हूं, ऐसे उनका दिल मुझसे नर्म नहीं होगा। याद है शादी के बाद आप ही ने मुझे कहा था कि अम्मी को टैकल करने का यही तरीका है, तो बस फिर आप भी अम्मी की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करें। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं, दूसरों की खुशी में खुश रहने वाला। अच्छा छोड़े ना ये सब, ये बताए चाय कैसी बनी है? आज तो बहुत गर्मी थी भाई। अच्छी। आप कभी हंस के भी जवाब दे दिया करें, क्या हो गया आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को? तुम्हारे लिए अपसेट रहता हूं, कोई आसाइश नहीं दी मैंने तुम्हें, कुछ भी नहीं कर सका। यहां तक तुम्हारी ये बात भी नहीं मानी कि हमें औलाद की जरूरत, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने तुमसे कहा कि मुझे वक्त चाहिए, लेकिन तुम सही कहती थी, औलाद अपने नसीब का रिस्क लेकर आती है। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। Thank you.
तो आज हम औलाद की नेमत से महरूम ना होते। तुम खुश तो हो मेरे साथ? जाहिर है खुश हूं, बहुत खुश। इन हालात में भी? चाहे हालात जैसे भी हों, मैं आपके साथ बहुत खुश हूं। बहुत प्यार करती हो मुझसे? बहुत ज्यादा। आपको पता है आपने मेरा हाथ तब थामा है जब बाकी सबने मुझे छोड़ दिया था। औरत से मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत होते हैं, उसे इज्जत देने वाला सिर्फ सिर्फ एक ही वो खास आदमी होता है, और मेरे लिए वो आप हैं, सबसे खास। हाँ, लेकिन पेट मोहब्बत से नहीं भरे जाते। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगे? प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। हर वक्त इतने उदास रहने लगे हम, हर वक्त ऐसे उदास मत रहा करें। नहीं देख सकती उदासी आपके चेहरे पर। ऐसे ही रहा करें मुस्कुराते हुए। तुझे मैंने कहा था ना कि वो यही है। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे सामने आएगी, लेकिन इस तरह अचानक आएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या बात है लड़के, बड़े खुश लग रहे हो। इतना कि मैं तुझे लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे जीने की वजह मिल गई हो, जैसे बरसों से मैं किसी चीज को ढूंढ रहा था और वो अचानक मेरे सामने आ गई। लेकिन बस एक छोटा सा मसला है यार, मुझे लगता है शायद उसकी शादी हो गई है। क्या? How come? कब और किससे? पता नहीं यार, मैंने ज्यादा तफसील नहीं पूछी। मुझे उसका घर का पता मिल गया है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मुझे कल तक से पता चलेगा। तुमने बात की थी क्या? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि उसने शादी कर ली? वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ वॉच शॉप पे थी। उसने एक जेंट्स वॉच पसंद की थी और बातों में किसी हारून का नाम ले रही थी। मुझे लगता है उसके हस्बैंड का नाम हारून है। हाँ, वैसे भी 4 साल हो गए हैं, हो सकता है शादी कर ली हो। खैर बता, आप क्या करना है? तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? पाना चाहता है उसे हर हाल में, हर कीमत पर। सोच लो, वो कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें। मैं उसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अगर मुझसे कहेगी तो मैं उसके पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन बस मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं लगता कि अब उसे पाना नामुमकिन है? सुल्तान के लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता है। मैं तुझे ये मुमकिन करके दिखाऊंगा। मेरी बात मान, तो भूल जा उसे। Just let it go. समझ ले वो तेरे लिए कभी बनी ही नहीं। अपने फजूल के मशवरे अपने पास रखो, मुझे उसके शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझसे ही प्यार करती है ना वो, तुम देख लेना, वो पलट के मेरे पास ही आएगी। औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती है। और उसने मुझसे खुद कहा था कि मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूं, वो मेरे पास ही आएगी। सब कुछ नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ये सब जो आपकी वाइफ औलाद ना होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है,
बाज़ोकात नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं कुछ मेडिसिन और सप्लीमेंट दे रही हूँ, वो आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करवाइए और इनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। खुश नहीं हो? मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, बस खुश रहने की एक्टिंग कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जब डॉक्टर्स कुछ कहते हैं ना, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो पागल हैं। उनकी रिसर्च होती है उसके पीछे, अपने पेशेंट को अच्छी तरह देखते हैं और फिर बताते हैं कि मसले का हल क्या होगा। अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि तुम्हें गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो इसमें क्या बुराई है? हम एक बार साइकियाट्रिस्ट से मिल लेते हैं, हो सकता है वो हमारे मसले का कोई हल निकाल दे। हारून, डॉक्टर्स तो कुछ भी कह देते हैं, जरूरी नहीं कि हम उनकी हर बात और हर मशवरे पर अमल करें। तंग आ गई मैं पिछले एक साल से एंटी डिप्रेशन और सप्लीमेंट्स खा खा के। हमारे नसीब में औलाद होगी तो हमें मिल जाएगी। जब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो फिर हम क्यों पैसे इतने खर्च करें? सारी गलती मेरी है, मुझे ही फैमिली स्टार्ट करने में ये टाइम नहीं लेना चाहिए था। ये तो अल्लाह ताला की नेमत है और अब वक्त ये आ गया कि ना तुम खुश हो ना मैं, और हम इस मसले का कोई हल भी नहीं निकाल सकते। हारून, मैं वाकई आपके साथ बहुत खुश हूँ। आपसे मिलने से पहले मैं क्या थी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना कोई अपना, ना कोई रिश्तेदार। जो कुछ दिया है वो आपने दिया है, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। सच कहूँ तो मुझे आपके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मुझे आपकी और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो घर हारून मलिक साहब की मिल्कियत है और उनके वालिद इब्राहिम मलिक साहब का इंतकाल हो चुका है। घर में उनकी बूढ़ी वालदा, एक छोटी बहन और वाइफ रहती है। शादी को 4 साल हो चुके हैं मगर बच्चे नहीं। करता क्या है वो? पिछले 5 साल से किसी न्यूज़ चैनल के साथ हैं। न्यूज़ चैनल आजकल खसारे में है, इसी वजह से लोगों को फारिग किया जा रहा है। इसी वजह से उनके माली हालात भी कुछ ठीक नहीं है, और मगर मोहल्ले में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और उनकी मिसेज मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। क्या हो रहा है भाई? अरे ये क्या है? ये इतना सब कुछ एक साथ? खैरियत है? कोई मेहमान आ रहा है या के लॉटरी निकल आई है जो इतना एहतमाम हो रहा है? आपको शायद याद नहीं, आज हारून की बर्थडे है। हाँ, तो बर्थडे का मतलब यानी इतना सारा कुछ पका के उस सामने रख दोगी? मैंने सोचा आज हम उन्हें सरप्राइज दे दें, खुश हो जाएंगे। कोई बाहर से भी आ रहे मेहमान वगैरह? जी नहीं, बस हम घर वाले ही हैं। हाँ तो दिमाग खराब है, घर के 4 लोगों के लिए इतना कुछ पका के तुम? भाई हद होती है, वैसे महंगाई देखो कहाँ है और तुम अपनी क्या खर्चियाँ देखो। इतनी मेहनत से मेरा बच्चा कमाता है और तुम यूँ एक झटके में खर्च करके उड़ा देती हो सब। अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये सारी ग्रोसरी मैंने अपने पैसों से ली। ज्यादा मेरे सामने ना जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पहले तो मुंह में जबान ही नहीं थी और अब कैंची की तरह चर 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 चलती है। मैंने तो हारून से कहा था कि जो इसकी फरमा बरदारी और वफादारी है ना, सब 4 दिन का दिखावा है, और तुमने भी कुछ महीनों में ही बता दिया कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। अम्मी, आपको मेरे खानदान के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। बकवास करने की जरूरत नहीं है तुमको। सारी दुनिया जानती है कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। घर से भागी हुई 2 टके की लड़की, कौन करता है शादी? तो मेरे बेटे की मेहरबानी है
तो उसने हमदर्दी करके तुम जैसी से शादी कर ली, वरना कहाँ तुम और कहाँ मेरा बेटा। और क्या ये तुम मुझे हर वक्त जो है वो ट्यूशन के पैसों के ताने देती हो, हैं? तुम कोई अकेले नहीं पढ़ाती ट्यूशन, मेरी बच्ची भी तुम्हारा साथ देती है, मेहनत करती है तुम्हारे साथ, और तुम क्या पढ़ाओगी ट्यूशन, हैं? पता नहीं कौन से घटिया से स्कूल में पढ़ाती भी आई हो, तुम्हें तो पढ़ाना भी नहीं आता, सारी मेहनत मेरी बच्ची करती है और तुम सिर्फ 5,000 रुपए उसके हाथ में रखती हो। और ये जितनी तुम्हारी अय्याशियां है ना, पैसे भी सिर्फ ये ट्यूशन के पैसों पे नहीं हो रही, ठीक ठाक भारी पॉकेट मनी लेती हो तुम हारून से, तभी तो वो मुझे घर का खर्चा नहीं देता। जवाब दो ना, बोलती नहीं हो। अरे आप बोलो भी।